Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. On the opening day of the first cricket test match against England at Multan, Pakistan in the first innings were 328 for the loss of 4 wicket at close of play today. With Sohail Chakil batting on 35 along with the night watchman Naseem Shah, who has yet to score. This is और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कैप्टन शाह मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया पिच ऐसी जिसपे ग्रास नज़र आ रहा था लेकिन यही कहा जा रहा है कि हीट बहुत ज़्यादा है और ये पहले दूसरे दिन बर्न आउट हो जाएगी और फिर जो क्रैक्स हैं वो ओपन होंगे और फिर स्पिनर्स का रोल नजर आएगा तो पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैं टॉस नहीं जीत सका लेकिन अब कम से कम टॉस जीतकर जो पाकिस्तान एडवांटेज उठाना चाह रहा था होम कंडीशंस का वो अभी तक तो पाकिस्तान के पास है क्योंकि पहले दिन पाकिस्तान ने तीन सौ अट्ठाईस रन चार विकेटों के नुकसान पे छियासी ओवर्स में पाकिस्तान ने ये रन बनाए और दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की जी अब्दुल्ला शफीक एंड द कैप्टन शान मसूद जबरदस्त इन दोनों की पार्टनरशिप भी है दूसरे विकेट की लेकिन आपको बताते चले जनाब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो साइम अयूब चौथे ओवर में पाकिस्तान के पहले बैट्समैन आउट हो गए जिन्होंने अपना डेब्यू सीजन जबरदस्त रहा एक डाउन द लेग साइड बॉल थोड़ा सा बाउंस ज्यादा हुआ उसको ग्लांस करना चाह रहे थे ग्लब्स से लगते हुए विकेट कीपर जेमी स्मिथ ने राइट साइड पर डाइव लगा के इनको आउट किया तो ये दस गेंदों पर एक चौके की मदद से चार रन बना के आउट हो गए और ये मुस्तकिल सातवां मौका है टेस्ट इनिंग में जहां वो डबल फिगर सिंगल से डबल फिगर में दाखिल होने में नाकाम रहे लेकिन यहां पे आपको पार्टनरशिप की दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान की जी हां दूसरी विकेट की पार्टनरशिप जो कि पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान हुई दो रन की और ये चौथी विकेट की सेकेंड हाइस्ट पार्टनरशिप है पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की तारीख थी तो दो रन जिसमें से शान मसूद ने एक, एक और अब्दुल्ला शफीक ने एक रन बनाए इससे पहले सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है वो जहीर अब्बास और मुश्ताक मोहम्मद के दरमियान है बर्मिंगम में उन्नीस में इन दोनों ने दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में दो सौ रन बनाए थे शान मसूद पाकिस्तान के कैप्टन इंटेंट के साथ खेलना चाह रहे हैं और जो मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट है उस अंदाज को अपनाना चाहते हैं और जबरदस्त सेंचुरी ऑफ बॉल्स is ज दास्टेस्ट बाई अ पाकिस्तानी कैप्टन इन टेस्ट आफ्टर मिस बाउल Haq scored a 56-ball हंड्रेड against Australia. तो ये वो अंदाज है जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अपनाना चाहिए था लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे लेकिन यहाँ पर कम अज कम उन्होंने उसी अंदाज में अपनी इनिंग को जारी रखा पहली विकेट अगर साइमयूब की देखी जाए तो जबरदस्त प्लान करके दो बॉलें एक लेंथ बॉल थोड़ा सा ऑफ स्टम्प के बाहर उसको बैट्समैन ने जाने दिया फिर थोड़ा सा और अंदर की जानब लेकर आए ऑफ ऑफ्टम के काफ़ी करीब वो भी बैट्समैन ने जाने दिया लेकिन जहाँ अपॉर्चुनिटी नजर आई हमने देखा कि अयूब को डाउन द लेग साइड ग्लांस करना चाह रहे थे लेकिन बाउंस ज्यादा होने की वजह से वो हैंडल नहीं कर सके और ग्लव्स को छूती हुई विकेट कीपर के हाथ में तो यहाँ पे इस तरह इनको ट्रैप किया गया और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का जो पुअर फॉर्म है फंट टू लेके पहले से लेके तीसरे बैट्समैन का और हम बात करें दो हजार तेईस से लेके अब तक तो पाकिस्तान जो है बड़े नीचे जनाब आपको नजर आ रहा होगा कि, कि पाकिस्तान आठवें नंबर पे है छह मैचेस में पाकिस्तान ने सत्ताईस की एवरेज से रन बनाए और सिर्फ एक सेंचुरी और दस सेंचुरी जबकि अगर टॉप पे देखा जाए भारत है जिसने सोलह मैचेज में तैंतालीस की औसत से टॉप थ्री बैट्समैन की बात करें ग्यारह सेंचुरी और तेरह निफ्रेंचियां स्कोर किए तो यही वजह है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा और फिर प्रेशर आपके ऊपर नजर आता है बाकी आने वाले बैट्समैन जो है वो इनिंग बिल्ट नहीं कर पाते और लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर बेंड स्टोक जो कि कैप्टेंसी नहीं कर रहे इस मैच में अनफिट हैं 105 टेस्ट मैचेस ज़रूर खेले उन्होंने और छः हज़ार पाँच सौ आठ बनाए पैंतीस की एवरेज से बैटिंग की 203 सौ तीन भी हैं उनको भी मिस कर रही होगी बॉलिंग एवरेज भी उनकी 32 है उनको भी मिस कर रही होगी इंग्लैंड की टीम के एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी अगर हम बैन स्टोक अगर आखिरी दस सालों में देखा जाए जहां बैन स्टोक खेल रहे हैं मैचेस वहां इंग्लैंड ने 48 मैच जीते 40 में शिकस्त हुई 11 ड्रॉ हुए और जहां बैन स्टोक नहीं खेल रहे वहां 26 मैचेस में इंग्लैंड ने 10 मैच जीते और 10 में इंग्लैंड को शिकस्त हुई और 6 मैचेस ड्रॉ हुए तो ये इनका असर है बैन स्टोक का जनाब कि जब वो खेलते हैं तो नज़र आता है कि डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे होते हैं। चांद मसूद के इंटेंट के साथ खेलने का जो हम बता रहे हैं कि जो नेट रन रेट पाकिस्तान ने जो रन रेट लेकर चल रहा था बिल्कुल आपको पहले सेशन में ऑल्दो के चार के आठ के स्कोर पे पहली विकेट गिर जाती है लेकिन पहले सेशन में पच्चीस ओवर में पाकिस्तान ने एक रन बनाए और एक विकेट के नुकसान पर 4.88 पॉइंट एट एट ऑलमोस्ट पांच रन पर ओवर की रफ्तार से पाकिस्तान ने रन बनाए दूसरे सेशन की बात की जाए दूसरे सेशन में पाकिस्तान ने फिर 27 ओवर में 111 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर ऑल्डो के रन रेट पाकिस्तान का कम हुआ 4.11 पॉइंट वन वन फ्रॉम फोर पॉइंट एट एट टूर फोर पॉइंट वन वन लेकिन विकेट पाकिस्तान ने नहीं खोई एंड में कहेंगे कि इंग्लैंड थोड़ा सा वापस आया सिक्सटी सेवन रन पे इंग्लैंड ने तीन विकेटें हासिल की एक मौके पर पाकिस्तान ने दो सौ इकसठ के स्कोर पर एक विकेट गिरी थी पाकिस्तान की लेकिन फिर एंड ऑफ द डे आपने देखा कि 324 रन बने और पाकिस्तान के चार खिलाड़ी आउट हुए तो 66 रंस पे पाकिस्तान के तीन विकेट गिरी और आखिरी सेशन में 34 ओवर भी हुए जिसमें पचानवे रंस बनाए पाकिस्तान ने और तीन विकेट पाकिस्तान की गिरी और पाकिस्तान का रन रेट जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया ऑलमोस्ट 5 से नीचे आते आते थ्री से भी नीचे 2.79 पाकिस्तान ने आखिरी सेशन में रन बनाए दूसरी विकेट पाकिस्तान की दो सौ तिरपन रन की पार्टनरशिप के बाद गिरती है और जब पाकिस्तान का स्कोर होता है दो सौ इकसठ तो अब्दुल्ला शफीक एक थोड़ी सी लूज काफी बॉडी से अवे बॉल और उसको पिछच खेल गए पॉइंट पे खड़े हुए इंग्लैंड के कैप्टन पॉप ने इनका कैच पकड़ा और बॉलर एक मतलब फिर घस अटकिन स नहीं थे लेकिन एक जबरदस्त इनिंग खेली अब्दुल्ला शफीक ने अपनी फिफ्टी भी छक्का लगा के और साथ साथ अपनी सेंचुरी भी छक्का लगा के और ये इनकी टेस्ट क्रिकेट में पांचवीं सेंचुरी है जी हाँ हंड्रेड एंड एटी फोर बॉल्स ही प्लेड एंड हिट टेन फोर्स इन टू सिक्स एंड स्कोड हंड्रेड इन टू With a strike rate of तो ये इनिंग, खेलने के बाद वो आउट होते हैं और यहां फिर फिर विकेट्स लेना शुरू की शान मसूद दूसरी की के वक्फे के बाद के का मजीद दो रन का इजाफा और शान मसूद तिरसठवें ओवर में, में पाकिस्तान के कैप्टन एक सौ इक्यावन रन बना के आउट हो गए ये भी एक थोड़ा सा लूज शॉट में कहूंगा अंदाज अपना रहे थे बॉल को मसल करना चाह रहे थे लेकिन ग्राउंडेड नहीं खेल सके और जैक लीट लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर

दौरा इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ ही स्कोर की थी तो 27 इनिंग हो चुकी है जब शान मसूद ने सेंचुरी नहीं स्कोर की चार साल के अर्थात और साथ साथ सत्ताईस इनिंग में इन्होंने कोई सेंचुरी नहीं स्कोर की थी खैर चलें फॉर्म में वापस आ गए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इनको फॉर फ्यूचर क्योंकि पाकिस्तान के कैप्टन हैं और कैप्टन को कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तो तीसरी विकेट पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद की दो के स्कोर पे कॉटन बोल्ड आउट होते हैं और फिर चौथी विकेट डाइंग मोमेंट ऑफ द डे पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त खेल रहा था और बाबर आजम क्रीज़ पे मौजूद थे और बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि बाबर आजम 30 दोबारा कर लिए पिछली 16 इनिंग में बाबर आजम ने भी कोई निस सेंचुरी नहीं स्कोर की थी लेकिन एक डाउन द लेग साइड आपको नज़र आया कि ऑफ स्टम के बाहर पहले इनको बीट किया और फिर अगला बॉल पड़ने के बाद निप पैक हुआ और बाबर आजम का इन साइड एच मिस होते हुए सीधे पैड पर लगी रिव्यू लिया लेकिन वो स्टम्प्स पर लग रही थी इस तरह बाबर आजम एक और अनलकी मैं कहूँगा कि स्टार्ट ज़रूर मिला लेकिन तीस रन बना के आउट हो गए इकहत्तर गेंदों का सामना किया पाँच चौके इनकी इनिंग में शामिल है और फिर वही बात के बाबर आजम और सऊद शकील के आने के बाद पाकिस्तान का जो तीसरे सेशन में रन रेट है वो 2.79 पॉइंट सेवन नाइन जहां अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद इंटेंट के साथ खेल रहे थे 4.89 और 4.11 पॉइंट वन वन वो जो नीचे आया वहाँ इंग्लैंड को वापस आने का मौका मिला अगर पाकिस्तान उसी जाराना अंदाज़ से खेलता बाबर आजम को भी देखना होगा कि कहीं ज़्यादा बॉकडाउन तो नहीं हो जा रहे और जो एक स्टार्ट मिला होता है उसी मोमेंटम को उसी टेम्पो को कैरी ऑन करना है ताकि दूसरी टीम को आप बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें और उनको उठने का मौका न दें लेकिन ये जो एंड में हमने देखा तीन विकटे पाकिस्तान की आखिरी सेशन में गिरी पचानवे रन पे तो यहाँ इंग्लैंड थोड़ा सा कम्फर्टेबल हो गया कि कम अज़ कम तीन सौ अट्ठाईस रन पे चार विकटे उसने ले लिए और एंड ऑफ द डे साउथ शिकील बहत्तर गेंदों पे पांच चौकों की मदद से 48 के स्ट्राइक रेट के साथ पैंतीस और नसीम शाह तीन गेंदों पे बगैर कोई रन बनाए सर्वाइव कर लिया एज ए नाइट वॉचमैन जो इनका रोल था वो पूरा करके गए और अगर इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए तो क्रिस वोक्स ओवर में दो मेडिन अट्ठावन रन देकर एक विकेट हासिल की गस एडकिसन 15 ओवर में दो मेडिन 70 रन दिए और दो विकेट हासिल की ब्राइडन कास 14 ओवर में दो मेडिन बावन रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की शोएब बशीर 18 ओवर में दो मेडिन इकहत्तर रन दिए और कोई विकेट हासिल की, की। जबकि जैक ने इक्कीस ओवर में चार मेडन इकसठ रन देकर एक विकेट हासिल की और जो रूट द वेटरन उन्होंने भी तीन ओवर करवाए और तीन ओवर में चौदह रन दिए तो जनाब पहले दिन का खेल पाकिस्तान के नाम रहा और पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में चार विकेटों के नुकसान पर तीन सौ अट्ठाईस रन बना लिए और अब सऊद शकील और नसीम शाह अपनी इनिंग का आगाज करेंगे कल सुबह जबकि मोहम्मद रिजवान सलमान अली आगा और आमिर जमाल द ऑलराउंडर अभी भी पाकिस्तान के बैट्समैन बाकी हैं जबकि शाहिन शाह अफ्रीदी और अब्रार अहमद टेल कह सकते हैं लेकिन अभी भी तीन ऐसे बैट्समैन हैं जो इस टोटल को मजीद आप कह सकते हैं कि पांच सौ रन तक लेके जाने की सिलाई सकते हैं खैर एनीवेज़ ऑन दिस नोट, वी कम टू द एंड ऑफ़ नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स थ्री सिक्सटी वर्ल्ड